घर बेच देंगे पैसे इकट्ठा करने के लिए। ये क्या बात हुई पापा? तो क्या करें, बाप हैं तुम्हारे, अपने बच्चों के सपने ना पूरे करें। वाह, और हमें क्या करना चाहिए? अपने पूरे परिवार को बेघर करके लंदन जाकर डॉक्टर बनना चाहिए। वाह, कितनी अच्छी सोच है आपकी पापा। अरे बेटा, तो वो लोग तुमको लंदन जाने कहाँ दे रहे हैं? अरे घर पे रखे रखे पासपोर्ट में आग लग जाती है का? और ये सारी अतरंगी हरकतें ना तुम्हारे ससुराल में ही काहे होती हैं? हमको तो लगता है ये जो तुम्हारे पति हैं ना राधे साहब, ये तुम्हारे पासपोर्ट में आग लगाए होंगे। नहीं पापा, उन्होंने हमारी कसम खाई है, उन्होंने इस बार कुछ नहीं किया है। ऐसा है बेटा, ना हमको तुम्हारे पति पे भरोसा है, ना तुम्हारे ससुरालियों पे। हम अपनी बेटी को लंदन जाते हुए देखना चाहते हैं, हम तुम्हारा जीवन बर्बाद होते नहीं देख सकते। सुनिए पापा, हमारी बात सुनिए। देखिए, हम बैंक लोन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सब्र से तो काम देना पड़ेगा ना। बेटा तुमको क्या लग रहा है, हमको ये समझ नहीं है, हम ये सब नहीं किए होंगे का? अरे बाप है तुम्हारे, एक बात ध्यान से सुन लो, ना तुमको लोन मिलेगा ना हमको, बैंक वाले इस बारे में हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। अरे तुम्हारे ससुर ने जो हरकत की थी उस बयल के ऊपर केस जो कर दिया था वो। सुन रही हो, हमको नहीं मिलेगा लोन। पापा, हमको लंदन जाना होगा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, पर आपको हमारी कसम घर नहीं बिकेगा। पापा प्लीज। बताए हम, शाहरुख जी भी कहते हैं कि अगर कुछ भी हम शिद्दत से मांगे ना तो कायनात मदद करती है। शुक्र है बुआ जी का कि उन्होंने हमें सही वक्त पर कॉल कर दिया, वरना हमें लंदन भेजने के चक्कर में पापा ने घर बेच दिया होता। कृष्णा, माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और बच्चे, उनका भी तो फर्ज बनता है ना भाभी। खैर, आप आराम कर लीजिए। यहाँ कृष्णा के पापा पैसों के लिए अपना घर बेचने वाले थे, और तुम क्या किए बे? हाँ साले, लानत है तुम पे राधेलाल शुक्ला। अगर अपने मिसेज के लिए कुछ नहीं कर पाए ना, तो नाक डुबो के मर जाना। बड़े पापा, तुम्हारी अम्मा जो सो रही है ना, हेलन अवस्थी जी, ये खर्राटों से हमारे कानों में बिल्कुल बज रहा है, नींद नहीं आ रही है, बाहर जा रहे हैं। हाँ जाओ, अपनी फैमिली के साथ जाके सो जाओ, वो ना तुमको अपनी बाहों में भर कर सुलाएंगे अपने साथ, जैसे आज सुबह प्यार जताया था ना तुम्हारी गज भैया ने, झिला टापर ने, और तुम्हारी प्यारी सी मम्मी जी ने, वैसे ही प्यार से सुलाएंगे तुमको। जाओ जाओ, क्या रहे हो उनको? अरे पत्नी है तुम्हारी, हम आप ही बताइए कौन सी पत्नी को जचेगा ये कि उसके पति की उसी के घर में एक कौड़ी क्यों काटना हो। बड़े पापा, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि हम अपनी मिसेज के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठा करें।
बेटा तुम एक काम करो, बताओ हमको। जी बड़े पापा, चलते हैं। बेला चेली। जी गुरुजी। पति तुम्हारा तुम्हारे काबू में है ना? एकदम गुरुजी। सुनो, कल के हंगामे के लिए तैयार हो जाओ और अपने दिमाग के हथौड़े को गर्म कर लो, क्योंकि कल से इस घर को तोड़ के बिखरा देने की शुरुआत होगी। बेला चली और पहली चोट हम तुमसे कराएंगे, समझी? कृष्णा, लल्लिया को नाश्ता दे दिया? जी भैया, कमरे में देकर आए हैं। जी राधे, लल्ला कहाँ चला गया सुबह सुबह? गए तो आपके मझले सुपुत्र भी हैं मम्मी जी, भूखे प्यासे दुकान पर, और उनका नाम त्रिलोकी है। आपको तो याद नहीं होगा ना, वरना उनके बारे में भी आप पूछ लेती। बेला रानी ने कहा है कि तुम रसोई वसोई में तो जाया ही मत करो, हर समय तो माचिस की तीली की तरह सुलगती रहती हो, हैं? गैस का सिलेंडर अगर फट गया तुम्हारी वजह से तो खामखा लेने के देने पड़ जाएंगे। लल्ला नाश्ता कर लो। अब जी मम्मी, बाद में करेंगे। लल्ला पहले नाश्ता कर लो भाई, नहीं तुम्हारी वजह से घर वालों की 10 बातें हमें सुननी पड़ती हैं। फिर जो करना है ना सो बाद में करते रहना। हाँ लल्ला, हाँ तुम्हारा जो दिल करे ना तुम वो करना, क्या ना तुम्हें तो आजादी है भाई, क्योंकि तुम प्यारे हो, दुलारे हो, अम्मा के, पापा के, सबके। साले गधे तो हम ही है ना। अरे का हो गया भाई, है एक सुलगती तीली बनी हुई है तो दूसरा मिट्टी के तेल का कनस्तर हुआ जा रहा है। क्या हुआ है? हर बात पे आग काहे लगती है तुमको? त्रिलोकी महाराज जी काहे सोले उगल रहे हो? हमसे क्या पूछ रही अम्मा, अपने लल्ला से पूछिए, क्या करने गए थे दुकान पर? क्या करने गए थे भैया, आप बता दीजिए मम्मी जी को क्या करने गए थे हम। साले से कुछ फूटोगे? कल अम्मा कल हमने लिए 2 पैसे मांग लिए तो सबके सीने पे सांप लौट गया, मतलब घोट घोट के हमें जहर पिलाया गया है। और ये साले राधे लाल दुकान के मुनीम से मिलकर आ रहे हैं, ये इनको बंटवारा चाहिए। अपना हिस्सा चाहिए इसको। साले का? भैया कुछ भी बोले जा रहे हैं आप? नहीं, हम गए थे मुनीम जी के पास क्योंकि हमें कुछ पैसों की जरूरत थी, ठीक है? और हमें किसी का बाप का डर नहीं पड़ा हुआ है,
इसीलिए चले गए हम उनके पास कि कुछ बता दीजिए हमको पैसे जुगाड़ने का तरीका। पर वैसे भैया इसमें इतना रायता फैलाने की क्या जरूरत है? थोड़े से पैसे कितने होते हैं? थोड़े से पैसे तुम्हारी गणित की किताब में ये थोड़े से पैसे कितने होते हैं हम बताएं? 30 लाख रुपए। थोड़े से पैसे तुम्हें क्या पता थोड़ा और ज्यादा क्या होता है? साले जिंदगी भर बैठ के खाए हो, बगुराए हो, जो चाह साले को मिल गया, शादी हो गई, मोटरसाइकिल मिल गई, घूम लिए फिर लिए, हैं? जेल चले जाते हैं, छुड़वा लिए जाते हैं, इसमें थोड़े से ही तो पैसे लगते हैं। बात कर रहे थोड़े से पैसे, हैं? हाँ, जिला टापर जी, आज कुछ नहीं बोलेंगी आप? सारी भाषणबाजी हमारे ही समय में निकलती है क्या? राधे, आपको इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे कितनी भोली हो तुम, है? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। 30 लाख रुपए की जरूरत किसे थी कृष्णा जी? हमारे हिसाब से तो 30 लाख रुपए की जरूरत आपको थी लंदन जाने के लिए। आप हमें ऐसे काहे घूर रही हैं? भेजना हमें अपनी पत्नी को लंदन तो हम। राधे, हमने कब आपसे पैसे मांगे हैं? अरे कितनी बार आपको समझाया है, प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अरे मत सोचिए हमारे लंदन जाने के बारे में, प्लीज, आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। वाह, ये देखो, ये हुआ ड्रामा शुरू, नौटंकी चल रही है, बजाओ ताली बेला। भैया जो बोल रहे ना हमें बोलिए, कृष्णा एकदम सच कह रही है, उन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे थे हमसे। साले बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, अभी एक और लगाएंगे तो कल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। साफ करना है, चुप हो सकता है? अरे अपने छोटे भाई से पैसों के लिए लड़ रहा है तू, शरम आती है कि नहीं? शरम, वाह वाह वाह, कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है ये राधे लाली तुम्हारी असली औलाद है, सिर्फ हम तो साले सब सौतेले कूड़े दान उठा के लेकर आई हो तुम हमको। चलोगे? बहुत देर से तुम्हारी बक बक सुन रहे हैं हम। क्या चाहते हो? छोटे बड़े का लिहाज नहीं है तुमको? हमने बोला था राधे को मुनि के पास जाके बात करने के लिए, हमने वादा किया है कृष्णा बहू को लंदन भेजने का, बोल क्या करेगा? चप्पल मारोगे छोटे भाई पे? चप्पल मारोगे तुम? माफ कीजिएगा बड़े पापा, लेकिन आपके वादों के चक्कर में ना हम सबको एक काम करना पड़ेगा, हमको ये घर बार बेच के ना सड़क पर आना पड़ेगा, इस जिला टापर को लंदन भेजने के लिए, सही रहेगा ना? और जब वादों की बात छिड़ी ही है तो एक वादा हम भी याद दिला देते हैं, हमारी बहन कुंवारी बैठी है, क्योंकि दशरथ जी वादा करके गए थे कि हमारी बहन का रिश्ता राधे भैया के साथ करवाएंगे, लेकिन वो तो नदारद ही हो गए। बेला, चुप हो जा, समझ गई तुम? बिल्कुल चुप, हम तो कह रहे हैं तुम हमें मार डालो, सब मिलके हमें मार डालो, फिर पी लेना एक दूसरे का खून। ठीक है अम्मा, हमें आप किसी से नहीं लड़ना, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। इस घर के अंदर
हर आदमी को अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पैसा मिलता है, तो हमें भी अब पैसा ही चाहिए। हमें भी जरूरत है पैसों की। ये हमारी गलती नहीं है कि हमारी बीवी बीमार नहीं है, वो जिला टॉपर नहीं है या उसको लंदन नहीं जाना पढ़ने के लिए। हमारी भी जरूरतें हैं, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अपना देख लेंगे बस। बंटवारा तो होके रहेगा और ये बंटवारा हमें आज करना है, अभी करना है। हमने कहा था ना कि इस घर को बर्बाद कर देंगे छोटे की बहू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।